इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट टू चैप्टर 11 बी अ गुड स्पीकर। बी अ गुड स्पीकर, तो बच्चों गुड का मतलब होता है अच्छा और स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला यानि और वक्ता। तो बी अ गुड स्पीकर, हमें गुड स्पीकर अच्छा वक्ता बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेंगे, आइए कुछ इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो उसे पढ़ते हैं। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, कुछ लोग गुड स्पीकर होते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं। सम आर शाय, कुछ शाय होते हैं मतलब शर्मिले होते हैं। सम स्पीक इजिली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अच्छे से बात कर लेते हैं उनसे, बट वो कब नर्वस हो जाते हैं, जब बिग ऑडियंस के सामने नर्वस हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में केस क्या है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अच्छे से बोले। एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, अगर आप अपना मन बना ले तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक, आपको कुछ थिंग्स याद रखनी चाहिए जब आप किसी से बोलते हैं। तो आइए वो कौन से बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल, क्लियरली बोलना चाहिए, ऐसे अनक्लियर नहीं बोलना चाहिए। डोंट मम्बल मीन्स अनक्लियर नहीं बोलना चाहिए, धीरे नहीं बोलना चाहिए, क्लियरली बात करनी चाहिए। लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम, बात करते समय जिससे भी हम बात कर रहे हैं उस पर्सन को या जो लोग हैं वहाँ उनको देख के बात करनी चाहिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, आपको बहुत लाउड भी नहीं होना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बोलना है। टू फास्ट और टू स्लो, ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट, आपको पोलाइट मतलब विनम्र रहना है और बी प्लेजेंट शांत रहना है। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, दूसरों के विचार और फीलिंग्स और इंटरेस्ट को बोलने दीजिए। ओके, गिव अ थॉट, उनको सोचने का मौका दीजिए। व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन, जब आप किसी डिस्कशन ग्रुप है उसमें डिस्कशन हो रहा है, जब आप उस डिस्कशन में भाग लेते हैं तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक, हमेशा खुद ही नहीं बोलते रहना चाहिए, हर टाइम नहीं बोलते रहना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली, जो दूसरे बोल रहे हैं उनमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए और उनको केयरफुली सुनना चाहिए। When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर आपको उनकी बातों से सहमत है, आप उनकी ideas आपको पसंद आती है तो उनको वैसा बताइए। Do share your own thoughts and ideas with others. अपनी जो विचार और ideas होते हैं उसको दूसरों से शेयर करना चाहिए। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप उसे विनम्रता से उसका एक्सप्लेनेशन पूछिए।
यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। जब आप किसी के बीच में बोलना चाह रहे हो तो पोलाइटली पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए, विनम्र शब्द यूज करना चाहिए और विनम्रता से एक्सप्रेशंस में भाव भी आपके पोलाइट होने चाहिए। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम। कब करना चाहिए? जब आप किसी के बीच में बोलना चाह रहे हो या आप किसी की बातों से सहमत नहीं हो या फिर आप कुछ किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो या खुद कुछ बोलना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए पोलाइट वर्ड यूज़ करने चाहिए और एक्सप्रेशंस अच्छे रखने चाहिए। अब व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, जब आपको कुछ स्पीच देना हो सबके सामने, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए? प्लान योर स्पीच इन एडवांस। आप अपने जो स्पीच है उसको पहले से ही तैयार रखिए। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। उसके पॉइंट्स अच्छे से नोट करके उनको अरेंज करके प्रॉपरली उनको तैयार करें। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। आप अपने मन में पहले रिहर्स कर लीजिए कौन पॉइंट्स के बारे में और उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिन्हें आपको याद रखना चाहिए जब अगर आपको एक गुड स्पीकर, एक गुड बोलना या फिर गुड वक्ता बनना हो, तो आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आई होप आप सबको ये लेसन बी अ गुड स्पीकर समझ आया होगा।